next presenter we have today is Madan Chauhan. So Madan Chauhan is a financial advisor with the IPC Investment Corporation for the past 20 years. He has a 35-year experience filing Canadian income tax, providing community the income tax services. And he also e-files the income tax. He's registered with CRA. And today his topic is going to be the Canadian income tax. So over to you, Madan Uncle. Thank you very much, Sobia. Thank you. And thanks to everyone who's joined us listening with me. Let me share my screen first. Can you see it or no? What's this No. noise coming? Okay, It's Madan. let me do On it, the please. way. It's Something is okay. wrong there. Don't worry, let me do it. एक बारी बंद करके दोबारा कर दो. I'm just going to do it. What's happening here? I'm going to do. I'm going to close this एक one. एक बारी स्टॉप कर लो. हाँ I did that. I'm going to start the different one. There's some error coming up. यस, नाउ वी कैन सी इट. Okay, let me go and start the screen. I have to minimize this one. Minimize this one. Okay, this is the one I'm going to share. Okay, do you see that? Yes, you can see that. All right, thank you very much for that. Oh, that is gone. मेरे जो दूसरे इमेजेस है ना, यू हैव टू डू इट टॉप दैट. ओके, यू सी दैट राइट? इनकम Yes. टैक्स फॉर सीनियर्स. Yes, ऑल we can राइट, see. बट थैंक यू वेरी मच अगेन एंड सॉरी फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम्स which do happen. Why I chose this income tax for seniors, I'm sure आप सभी टैक्स भरते हैं. अगर कोई नहीं भरता है तो उसके लिए कोई रीजन होना चाहिए नहीं भरने का, वरना आपको जो बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से वो आप लूज कर सकते हैं. तो मैं बेसिकली आपको टैक्स भरना नहीं सिखाऊंगा आज. मैं ये बात करूंगा कि आपके लिए टैक्स भरना क्यों जरूरी है, आपको कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं. आप नहीं ले रहे तो बेसिक टैक्स की इंफॉर्मेशन दूंगा कि वो क्या है. पहले पहले जो है मेरा डिस्क्लेमर है कि दिस इज ए जनरल इंफॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक किसी के टैक्स के लिए नहीं है ना. हाँ, इसको आप टैक्स के बारे में समझें कि मैं बिल्कुल जो बताया गया वो ही मैं करना है, ऐसी बात नहीं है. क्योंकि टैक्स की जो चीजें हैं वो हर साल चेंज होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन इसमें होगी वो नेक्स्ट ईयर इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी या प्रीवियस ईयर की डिफरेंट होगी, इसलिए आप उसको जरा ध्यान रखें. मैं इसलिए ये कह रहा हूँ आपको, स्पेशली हमारी जो लेडीज हैं, ये देखने में आया है कि उनसे बात करो तो वो कहती हैं मेरे हस्बैंड करते हैं, मेरे बच्चे करते हैं, तो मेरे को क्या जरूरत है. बिल्कुल ठीक है, उनको कोई जरूरत नहीं है,
लेकिन अगर कोई जरूरत पड़े तो फिर आप कहाँ जाएंगे। इसलिए थोड़ी बहुत ही जानकारी रखनी बहुत जरूरी है कि क्यों है। अभी ये टैक्स है, टैक्स क्यों हुआ शुरू, कैसे हुआ शुरू, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है। टैक्स अगर आपको कोई याद हो, किसी को आपके बचपन में या कहीं से सुना हुआ हो कि पुराने जमाने में लोग क्या करते थे। मैं ऐसे मैं एग्जाम्पल हूँ गांव की। एक गांव में किसान है, वो बीज बोता है, उस फसल होती है, और एक कोई कारपेंटर है, कोई कपड़े सीने वाला है, कुछ कोई और करने वाला है। तो वो एक दूसरे से अपने प्रोडक्ट चेंज कर लेते थे। किसान उसको दाना आटा कुछ वो खुराक दे देता था, तो जो कपड़े सीने वाला उसके कपड़े सी देता था, जो कारपेंटर है उसका कारपेंटर का काम कर देता था, जो को मकान बनाने वाला उसका मकान का रिपेयर कर देता था। ऐसे थे, इसको कहते थे बार्टरिंग, मीन एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब इसमें कोई पैसा नहीं है तो टैक्स कहाँ से दें, किसका दें टैक्स। तो जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया और एक दूसरी चीजों को, अब मेरे को आटे की जरूरत नहीं है, मेरे को कनक की जरूरत नहीं है, तो जो मेरी सेवा है मैं कहूंगा उसको मेरे को पैसे क्यों ना मिले, जो मैं सेवा अपनी प्रोवाइड करूंगा। तो फिर उसका कंसेप्ट आ गया कि पैसा लेना, मीन अपनी जो भी काम करते हैं उसके बारे में मजदूरी की कीमत लेनी। तो जब वो हुआ तो फिर गवर्नमेंट को, जो लोगों को जो उस टाइम के थे, किसी का टाइम के आज के भी, वो कहते अब इसको कमाई होने लगी, इससे थोड़ा थोड़ा खर्चा लेने लगो, क्योंकि लोगों को भी डिमांड बढ़ गई कि मेरे लिए ये करो, सड़कें बनाओ, गलियां बनाओ, कोई हॉस्पिटल बनाओ, कुछ और करो। अब गवर्नमेंट कहाँ से करे, तो उनको तो पैसा चाहिए। तो वो कहना रहा कि जो अगर आपकी आमदनी है हम उसमें से कुछ हिस्सा आपसे लेंगे। सो दैट्स व्हाट दे हैपन्ड द टैक्स। सबसे पहले क्या हुआ कि जब आपके पास पैसा नहीं है, नो मनी, तो आपको टैक्स की कोई परवाह नहीं है, बड़ी नहीं है। टैक्स तो पैसे भी लगना है ना जो आपको कमेंगे। फिर आसपास थोड़ा सा पैसा आ गया तो थोड़ा थोड़ा टैक्स लिया। अब फिर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, अब गवर्नमेंट आपसे ज्यादा टैक्स मांगने लगी है। जब आपको ज्यादा मांगने लगेगा तो आपको क्या होगा, आप डर लगा, आप कहने लगे हैं कि देखो जी मेरे पैसे मैं टैक्स क्यों दूं, मैंने मेहनत की है, मैंने कमाए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती, गवर्नमेंट सोचती है कि अगर तूने पैसे कमाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कुछ और सेवाएं नहीं दे रहे हैं। वो कहता मैं तो सेवा ले नहीं रहा, अभी जब लेगा तो फिर क्या करेगा। तो इसलिए अब जो टैक्स के साथ दो चीजें पैदा हो जाती हैं वो है ग्रीड एंड फियर। डर आपको है कि मेरे पैसे को लेना ले, ग्रीड है कि मैं पैसे और इकट्ठे कर लूं। तो आप जब ये लालच और डर में लगे हैं तो इसी दौड़ में हम लगे रहते हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये पता है, दूसरे लोगों को पता है, तो वो क्या कहते हैं कि इससे आपसे टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। अब लोग जो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो क्या करते हैं, वो प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि अच्छा किस तरीके से मैं करूं वो कम टैक्स दूं, क्या मैं करूं कम टैक्स दूं, क्या मेरे पास उस चीज है उसके लिए मैं कम करूं। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, उसने कहा कि ओके हम आपको प्लान देते हैं, आपकी जितनी इनकम है हम उसको आप में से उसमें से कुछ खर्चे का पैसा निकालने देते हैं कि जो आपने खर्चा किया इस काम के लिए वो निकाल लो, जो बाकी है उस पर टैक्स दे दो। इसका मतलब जो आपने पैसा कमाने के लिए कुछ किया आप उसमें से कुछ हमें दे दो, कुछ निकाल दो, जो बाकी बचेगा हम उस पर टैक्स लेंगे, सारे पर टैक्स नहीं लेंगे। तो आपने कहा ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कह देगा कि देखो टैक्स जो है वो जरूरी है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि टैक्स जो हमने देना नहीं है, टैक्स आपने जरूर देना है और बनना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के रूल बन गए हो गए, अगर आप नहीं टैक्स फाइल करेंगे तो हम आपको जो बेनिफिट देना वो नहीं देंगे। तो इसके बाद आता है फिर कि अब अगर सोचेंगे कि जो हम इनकम डिडक्शन की बात करते हैं वो चीज क्या है। इनकम ये है, ये कुछ तरीके हैं इनकम के। एक तरीका है कि जो हम जॉब करते हैं, जहाँ कोई काम बिजनेस करते हैं, जहाँ इसके अलावा कोई और इनकम है, कहीं रेंट की हो, जहाँ जो आपको मुनाफा हुआ है कैपिटल गेन उसकी हो। अब जब हम इस उम्र में हैं तो हमारे पास एक गवर्नमेंट जहाँ का बेनिफिट देती है ओल्ड एज सिक्योरिटी। अब जो ओल्ड एज सिक्योरिटी है
वो जब हम 65 साल के होते हैं और हम इस कंट्री में लीगली रहते हैं, जितने समय से रहते हैं उसके हिसाब से वो प्रोरेट करके हमें कुछ पैसे देती है। यहाँ का जो रूल है कनाडा का कि अगर कोई आदमी यहाँ पर 40 साल रहा हो तो जितना फुल अमाउंट है OSA का, वो ये भी हर साल चेंज होता रहता है, वो उसको मिलेगा और उसको वो डिवाइड करके 12 से महीने का आपको देते हैं। अब जो CPP है, कनाडा पेंशन प्लान उसे कहते हैं, वो उनके लिए है जिन्होंने काम किया है जहाँ पर, जिन्होंने काम किया है तो उनकी जॉब में से, उनकी इनकम से थोड़ा थोड़ा हिस्सा गवर्नमेंट काटती है अपने पेरोल से, और जितना वो काटते हैं उतना हिस्सा जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो पाते हैं। मान लो आपका $100 काटा गया तो $100 जो आपका एम्प्लॉयर वो पाता है, तो आपके अकाउंट में $200 चला गया, आप जो आपका CPP का अकाउंट है, रेवेन्यू कनाडा के अकाउंट में, तो वो उन्हीं को मिलता है जिन्होंने जहां पर काम किया है, वो भी थ्रू आउट द लाइफ जो काम करते हैं उसका प्रोरेट करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। नॉर्मली वो जो आपके लास्ट 5-6 साल होते हैं उसको देखते हैं ज्यादातर, और उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन भी हर साल चेंज होती रहती है। कुछ है आगे जो मैंने लिखा हुआ RRS भी, वो आप अपने लिए जमा करते हैं, जो बाकी सारी हैं वो आपने अपने लिए किया। जो RRSP है, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान, अब आप सोचते हैं कि मैं रिटायर होना तो मैं पैसे वहां से खर्चा कैसे करूंगा, गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम आपको देंगे जैसे ओल्ड सिक्योरिटी CPP, अब हम आपको ये नहीं दे सकते कि आप लग्जरी लाइफ बताओ जहाँ आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, तो इसके लिए आपने कुछ करना है तो आप अपना जमा करें। तो जब आप काम करते थे उसमें से कुछ हिस्सा आप RRSP में डालते थे, उसमें आपको गवर्नमेंट क्या लालच देती है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने ऐसा करना है तो जितने पैसे आप डालोगे हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। मान लो आपने $10,000 डाला है इस साल, तो गवर्नमेंट कहेगी जितनी आपकी इनकम है हम उसमें 10,000 निकाल देंगे, बाकी पर टैक्स लेंगे। इसका मतलब आपको फायदा हुआ अभी, उसमें से टैक्स नहीं लिया, लेकिन गवर्नमेंट साथ में ये कहती है कि जब आप निकालेंगे जिंदगी में, जब भी, चाहे 1 साल बाद, चाहे 60 साल बाद, चाहे 30 साल बाद, हम उस टाइम उसके हिसाब से टैक्स लेंगे। वो टैक्स माफ नहीं है आपको, वो उन्होंने टैक्स क्या किया पीछे कर दिया, अभी नहीं दो बाद में दे देना। उसका फायदा क्या है, जो लोग अभी काम करते हैं, मैं उनके लिए एक बात कह रहा हूँ जो सीनियर हो चुके हैं 60, उनके लिए तो शायद ये नहीं है कि जब आप करते हैं तो जो आप इसमें ग्रोथ होती है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो सारा जमा होता रहता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता एज वी गो ऑन डेली बेसिस। लेकिन जब आप निकालेंगे तो आपका टोटल जो अमाउंट है उसका, जितना आप निकालेंगे, जो अमाउंट निकालेंगे उस पर टैक्स लगेगा। अब एक एग्जाम्पल के लिए है, अभी मान लो आपकी इनकम 1 लाख है तो आप 40% टैक्स दे रहे हैं, तो अभी आपको 10,000 किया तो आपको 4,000 उसमें से टैक्स वापस आ गया। लेकिन जब हम निकालेंगे, अगर सब कुछ सेम हो तो वहां अब आपकी इनकम 50,000 या 50,000 से कम होगी तो फिर आपको टैक्स लगेगा 20%। तो अभी आपने 40% बताया बचाया, बाद में आपने 20% दिया। जो ये RIF है आगे, RRIF, वो जो RRSP है, जब आप 71 के हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली RIF में बदल जाती है। उसका मतलब ये है कि जो आपने पैसा जमा किया RRSP में, अब आपको महीने में, हर महीने, जहाँ 1 साल में 1 बार, जहाँ साल में 2 बार, वो आप रेंज कर सकते हैं जहां पर आपका RRSP हो, आपको लेना ही पड़ेगा जो मिनिमम अमाउंट है गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया हुआ। नॉर्मली आजकल के हिसाब से वो 5.5% है। अगर आपका $1,00,000 है जमा तो आपको 550 5,500 साल का वो लेना पड़ेगा, तो वो आपकी इनकम बनेगी। फिर जो लीरा होता है वो है कि जब आप कंपनी में काम करते हैं, और कंपनी में जब काम करते हैं तो कुछ कंपनी आपके पैसे के हिसाब से, आप कुछ अपर की तरफ से वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आप डालते हैं। जैसे अगेन एग्जाम्पल मैं दूं,
आप $100 डाल रहे हैं तो कंपनी कहती है हम $50 डालेंगे, या हम $20 डालेंगे, या हम आप 5% डालेंगे, या 10% डालेंगे, जैसा भी हो। तो वो जो पैसा जमा होता है वो कंपनी ने आपकी रिटायरमेंट के लिए जमा किया हुआ है। LIR का मतलब है लॉक्ड इन, वो आप नहीं निकाल सकते जब तक आप 65 या उससे ज्यादा नहीं होंगे, इसलिए वो लॉक इन है। यही लॉक इन जो लीरा है वो चेंज हो जाता है लिफ में जब आप 70 हो जाते हैं, फिर आपको निकालना ही पड़ेगा वही गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। उसके बाद आता है RDSP। जो RDSP है वो है डिसेबल प्लान। अगर मान लो आप कोई बीमार थे, कुछ खराबी हो गई, आप डिसेबल हो गए हैं, तो गवर्नमेंट आपको ये इजाजत देती है कि आप इसमें पैसा जमा करें या आपके लिए कोई और करे। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आप 49 की उम्र से पहले यंग हैं वो जमा करते हैं, तो वो गवर्नमेंट उसमें आपको हेल्प देती है, कुछ और पैसा गवर्नमेंट की तरफ जमा होता है। इसमें आपको टैक्स में अभी कोई फायदा नहीं, लेकिन जो वो गवर्नमेंट देती है पैसा आपको जमा होता है, वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो जब आप निकालेंगे उस पर टैक्स कोई नहीं देना। और ये RESP जो है वो है एजुकेशन सेविंग प्लान, उसका भी आपको टैक्स में कोई फायदा नहीं है, किसी को ना माँ बाप को ना किसी और को जो करता है, लेकिन वो बच्चे को फायदा है जिसलिए जमा हो रहा है। उसमें भी लिमिट है, गवर्नमेंट जो करती है वो $2,500 पर ईयर पर चाइल्ड के लिए अलाउ करती है आपको करने के लिए। जब आप 2,500 करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 20% देती है ग्रांट, और वो आपको 2,500 में $500 जो 20% बनता है वो आपका जमा हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया 3,000। इस तरह 17 साल की एज तक आप करेंगे और आपके बच्चे में वो पैसा जमा होता रहता है। जब बच्चा स्कूल जाने के लिए निकलता है उसमें से पैसे निकालता है, वो आपको नहीं टैक्स लगता, वो बच्चे को लगता है जब बच्चा निकालता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे की इनकम अभी नहीं होगी कुछ ज्यादा, तो इसलिए वो उसको ऑलमोस्ट लाइक नो टैक्स होगा। लेकिन कहने के लिए ये कहा जाता है वो टैक्स बच्चे को लगेगा। और उसके बाद आता है नॉन रजिस्टर्ड। अभी जो जो मैंने पहले बातें की सारी वो रजिस्टर्ड हैं रेवेन्यू कैनेडा के साथ, क्योंकि रजिस्टर्ड हैं तो गवर्नमेंट को पता है कि आपका पैसा कहाँ पर है, कैसे चल रहा है, कितना है। अब जो इसके अलावा होता है उसे कहते हैं नॉन रजिस्टर्ड, जैसे सेविंग अकाउंट है, चेकिंग अकाउंट है। वो वैसे सेविंग अकाउंट आपका रजिस्टर्ड भी हो सकता है, लेकिन चेकिंग अकाउंट नॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं होता। तो वो जो पैसा है वो आपको जितना भी पैसा है आप जमा, उस पैसे पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन उस पैसे से जो आमदनी होती है, जो इनकम होती है, जो हिसाब से ब्याज वगैरह या ग्रोथ मिलती है, उस पर टैक्स लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर मैं कहूँ, आपका 1 लाख पड़ा है और आपको 5% के हिसाब से $5,000 मिला है साल में, तो $5,000 जो आपकी इनकम में जमा होगा और $5,000 पर आपको टैक्स लगेगा। तो ये था इस तरह का। और उसके बाद आते हैं, गवर्नमेंट आपको देती है कुछ बेनिफिट्स, वो इसलिए देती है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा, कुछ डिडक्शन आप कर सकती हैं। डिडक्शन का मतलब ये है कि आप जो है गवर्नमेंट के तरफ से कुछ होते हैं उन्हें कहते हैं क्रेडिट, वो उसका मतलब है नॉन रिफंडेबल, नॉन सॉरी फेडरल नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट। ये फेडरल की गवर्नमेंट की तरफ से है, कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से है, इसी तरह आपको जिस प्रोविंस में रहते हैं उसकी तरफ से भी हैं। ये कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर भी एवरेज ईयर चेंज होते हैं। जैसे मान लो जो बेसिक अलाउंस से आपको 15,000 है, अगर आप कनाडा में कोई भी आदमी किसी एज का भी है वो काम करता है, तो उसको फर्स्ट $15,000 जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी इनकम सिर्फ 15,000 ही है, उस पर टैक्स नहीं लगना कोई भी। इसी तरह जब आप सीनियर हो जाते हैं, एज हो जाते हैं, तो फिर आपको एक और अलाउंस मिलता है, एज अलाउंस, वो है $8,396। अब टोटल मना के 3,796 हो गया। इसका मतलब $23,000 तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं लगना जो सीनियर है। इसी तरह और है, अगर कोई आपका आपसे काम करता है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, उसको मैक्सिमम $1,002 मिलते हैं। इस तरह होम बायर्स प्लान है, उसमें अगर किसी ने मकान लिया उसको 10,000 तक दे है मैक्सिमम, और अगर किसी ने अपने मकान में रिपेयर की है वो सीनियर के लिए है,
जो है होम असेसिबल एक्सपेंस, अगर आपने 20,000 तक की है रिपेयर, वो रिपेयर क्या होती है कि जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे सीनियर, मान लो अपने किचन में आपके जो क्लोजेट हैं वो तो आप ऊंचे हैं, आपका हाथ नहीं जाता वहां पर, आप कारपेंटर को बुला के उसको ठीक करवाते हैं, नीचे करवाते हैं, तो जितना आपका खर्चा होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा मैक्सिमम जो अमाउंट है जो उसका वो 20,000 है, 20,000 से ज्यादा नहीं। अगर आपने 40,000 किया तो आपको 20,000 ही मिलना है इसी तरह से। और अगर दूसरी तरफ आता है कि कुछ लोग आजकल डिजिटल सब्सक्राइब करते हैं न्यूज़पेपर को या कुछ और आर्टिकल्स को, जैसे ग्लोबल मेल आप कह लो या कुछ और, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी है कि आप $500 तक का क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह जो आपको सीपीपी मिल रही है पेंशन, जहाँ आपकी कंपनी से पेंशन मिलती है, उसके लिए आपको मैक्सिमम जो आप निकालते हैं उसके लिए आपको वो $2,000 देते हैं साल का। अगर आपने 2,000 से ज्यादा निकाला है तो आपको 2,000 का ही क्रेडिट मिलना है, 2,000 से ज्यादा का नहीं मिलना है। इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा कि डिसेबिलिटी है किसी आदमी को, इंसान को, तो उसको $9,424 का क्रेडिट देते हैं। इसी तरह सारे क्रेडिट जमा होके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। ये जो क्रेडिट्स हैं, जितना जो अमाउंट लिखा हुआ है सारा कुछ, इन सारा का टोटल करके उसका 15% गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, जो फेडरल टैक्स है, जो आपका टैक्स बनेगा उसमें से ये इसका 15% कैलकुलेट कर निकाल देगी, तो दैट्स द टैक्स यू हैव टू पे। ये है आपका प्रोविंशियल फेडरली। अभी आएगा प्रोविंशियल, वो भी सिमिलर है, जैसे लिखा हुआ है अंटोरियो का नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट। अब जो नॉन रिफंडेबल टैक्स अंटोरियो का है उसमें नंबर थोड़े डिफरेंट हैं, और अंटोरियो का जो टैक्स है बेसिक वो 5% है। क्योंकि वो 5% है इसलिए नंबर भी थोड़े कम है। तो ये जो नंबर मैंने बताए थे आपको फेडरल में, वो उस तरह के नंबर इसमें हैं। तो ये दोनों मिला के फेडरल और प्रोविंशियल जमा करके जितना आपका अमाउंट बनता है वो आपको टैक्स मिल जाता है। कुछ ये और हैं जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, जैसे मान लो आपने प्रीमियम पे किया अपनी पॉकेट से हेल्थ के लिए, प्राइवेट इंश्योरेंस जो कहते हैं आपको, और आपने कुछ जो क्लेम किया उसका बेनिफिट मिलता है, कोई एजुकेशन ट्रेनिंग ली आपने, घर के में कुछ रिपेयर किया उसका मिलता है, आप ट्रांजिट यूज करते हैं उसका मिलता है, होम सेफ्टी के लिए मिलता है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है, इसमें कुछ फ्लो थ्रू शेयर उसके लिए मिलता है, एजुकेशन क्रेडिट मिलते हैं, ऑन्टोरियो टीरियम बेनिफिट मिलता है। ऑन्टोरियो में वो उसमें आपका होता है क्या, जो आपने मकान का रेंट दिया या मकान का प्रॉपर्टी टैक्स दिया, उसमें जो सेल टैक्स वगैरह बनता है उसको कैलकुलेट करके वो देते हैं। इसी तरह जो सीनियर होम प्रॉपर्टी टैक्स है वो है कि जब आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, अगेन दे आर सम इनकम लिमिट्स, ये नहीं कि किसी के 1 लाख है तो उसको भी मिलेगा, जिसकी 10,000 है उसको भी मिलेगा। ये है फॉर लो इनकम पीपल, जो लेस देन 40,000 की डॉलर की इनकम होती है उसके लिए। तो जो आपको मैक्सिमम वो क्या है, आपको $500 गवर्नमेंट ग्रांट देती है। इसी तरह क्लाइमेट इंसेंटिव है, ये थोड़ी साल पहले शुरू हुआ था तो वो हर इंसान को देती है, लेकिन कुछ चीजें इसमें से हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो दोनों को नहीं मिलता, एक को मिलता है। आप जब टैक्स भरते हैं तो आप लिखते हैं मैरिड हैं, उस टाइम जब आप टैक्स भरते हैं तो उसमें क्या है कि जो आपकी कैलकुलेशन होती है दोनों की इनकम जमा होती है हस्बैंड एंड वाइफ की, फिर जो ये बेनिफिट मिलने हैं आपको वो मिलेंगे उस इनके हिसाब से कि क्या वो इनकम उस ब्रैकेट के नीचे है या नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये ब्रैकेट जो हैं, ये जो इनकम नंबर हैं, ये हर साल चेंज होते रहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि जो लास्ट ईयर थे वही इस साल हैं, जो 1 साल पहले थे वही इस साल हैं, ऐसा नहीं है, ये हर साल चेंज होते हैं। लेकिन ये बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब आप टैक्स फाइल करेंगे। तो
उसके बाद आता है कि जे आपको जो टैक्स मार्जिन रेट है, ये है बेसिकली टैक्स की लिमिट है, कैसे कैसे टैक्स लगता है। जैसे आप देखते हैं कि फेडरल साइड के साथ, अभी मैं एक बात बताऊं, मैंने लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम अमाउंट। टैक्सेबल इनकम अमाउंट वो होता है जब आपने जितनी इनकम की उसमें से जो खर्चे आपको निकल सकते हैं अलाउड वो निकाल दिए, जो बाकी बचा है उसे टैक्सेबल इनकम कहते हैं। अगर आपकी इनकम 53,359 से कम है तो आपको 15% टैक्स लगता है फेडरली, मीन कैनेडियन टैक्स जो है कैनेडा का, फेडरल थ्रू आउट द कैनेडा। अगर आपकी इनकम दूसरी ब्रैकेट में है अप टू 106,707 है, फिर जो दूसरा अमाउंट है ऑन द टॉप उस पर लगेगा 20%। फिर जो थर्ड ब्रैकेट है, जैसे आपकी टॉप इनकम है 165,430, जो 106,707 से जो ऊपर है उस पर लगेगा 26%। इसी तरह जो लास्ट वन है 2,25,000, 2,35,675 235,675 डॉलर, जो उससे ऊपर है उस पर 33%। इसी तरह राइट हैंड साइड में वो प्रोविंशियल है, एंटोरियो का टैक्स है। अगर आप लास्ट वाला देखेंगे जिसकी इनकम 2,35,000 से ऊपर होगी, तो उसको 13+33, 46%। इसमें कुछ और जमा होते हैं टैक्सेस, इसकी जो टैक्स है आपको 50% जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को देना पड़ जाएगा। अगर मान लो मैं सीधा कहूंगा आपकी इनकम 2,00,000 या 1,00,000 इनकम ज्यादा है इस ब्रैकेट से, तो जो ऊपरी 1,00,000 है उसका 50,000 डॉलर गवर्नमेंट ले जाएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट से जो लोग हैं जो करते हैं जिनकी, मैं वो टैक्स प्लानर को हायर करते हैं, टैक्स प्लानर से बात करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हमारे जैसे लोगों से बात करते हैं, हम उनको सलाह देते हैं उनकी सारी बातें देख के करके कि आपको कैसे टैक्स रिड्यूस किया जा सकता है। बंद नहीं होगा, कम नहीं होगा, सिर्फ रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। उसके बाद के ये है कि अभी आपको इन्फॉर्मेशन अपनी अपडेट करनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी चेंज हो गया आपके फाइनेंशियल में, तो यू हैव टू चेंज दैट टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, यू मस्ट डू दैट। अगर किसी के कनाडा से बाहर कोई प्रॉपर्टी है, कोई पैसा जमा है जिसकी वैल्यू 1,00,000 से ऊपर है, वो भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए। मैं कह रहा हूं वो भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए, नहीं बताते वो आपकी मर्जी है। फिर है कि अगर आप टैक्स नहीं फाइल करेंगे तो आपको जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, जो भी मैंने पहले बेनिफिट डिस्कस किए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और आप एक काम कीजिए, जो आपके आपको कोई रिफंड आना है तो आप अपने बैंक में ऐसा करें कि वो सीधा पैसा आपके बैंक में जमा हो जाए, चाहे वो आपको चेक भेजें। मैं ये नहीं कह रहा कि चेक गलत है, अब चेक आएगा फिर आप बैंक में जमा कराने जाएंगे, फिर जमा होगा, अगर वो सीधा आ जाएगा तो वो गवर्नमेंट आपको लेटर भेजती है कि हमने जमा करवा दिया आपका पैसा इतना, आप देख सकते हैं। उसका फायदा सिर्फ ये है कि आपको बैंक में जाना नहीं पड़ेगा जमा कराने के लिए। और लास्ट वन जो है, आप जितने भी टैक्स भरते हैं जो आपके कागज हैं उसको 6 साल के लिए रखें, क्योंकि आज का जो नया सिस्टम है उसके हिसाब से आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, सॉरी टैक्स के साथ पेपर भेजने की जरूरत नहीं है, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट किसी को भी किसी टाइम भी पूछ सकती है कि हमें ये डॉक्यूमेंट दें, अगर उनको कोई डाउट हो, जब वो समझते हैं कि ये ठीक नहीं लगता उनको, तो अगर आप उसको जवाब नहीं देंगे तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है, गवर्नमेंट आपको रिजेक्ट कर सकती है कि हम आपको इसका पैसा नहीं, इसका जो क्लेम किया है वो नहीं देते, इसलिए हमें टैक्स वापस करो, जो आपका जो टैक्स दिया है वो कम हो जाएगा। तो ये चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। अभी आगे क्या है, फाइनल टैक्स एंड टाइम,
अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं एक घड़ी है, एक डॉलर है। अब इसका आप क्या समझते हैं, टाइम वर्सेस मनी, आपको क्या इम्पोर्टेंट है, टाइम इम्पोर्टेंट है या मनी इम्पोर्टेंट है? कभी कभी मनी इम्पोर्टेंट होती है, कभी कभी टाइम इम्पोर्टेंट होता है। अगर जैसे मैं कहूँ टैक्स वो टाइम पर नहीं भरते तो आपको पेनल्टी लग सकती है, आपको कुछ और चीज मिस हो सकती है। दूसरी तरफ मनी, अगर आप मनी को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो आपकी मनी भी लूज हो सकती है। इसलिए यू मस्ट डू दैट, आप हमेशा अपने पैसे तो देख सकते हैं आपके पास कितने हैं, लेकिन टाइम का नहीं पता आपको कितना है आपके पास है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ टाइम का नहीं पता, कि अगर आपका जो काम है प्रॉपर टाइम पर नहीं होता, कल को आप नहीं हो और आपको करना पड़े तो कैसे होगा, कौन करेगा, किसके पास इंफॉर्मेशन है? तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स है, ये क्या होता है फाइनल टैक्स? जिंदगी में एक टाइम आएगा जब आपका फाइनल टैक्स होगा, वो क्या होगा, आपका लास्ट टैक्स टू फाइल। उसके बाद में आपको कोई टैक्स फाइल नहीं करना। वो कब आएगा, आपकी डेथ के बाद। जिस साल डेथ होती है उस साल का टैक्स जो होता है उसको फाइनल टैक्स कहते हैं या लास्ट टैक्स, क्योंकि उसके बाद आप है नहीं दुनिया में, अगले साल आपका टैक्स भरना नहीं, अगले साल आपको कोई बेनिफिट मिलने नहीं, तो इसलिए उस साल होता। और वो जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो फाइनल टैक्स है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी आपका पिछला आगे पीछे रहा किया है, जो मिसिंग है, हम उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं कुछ भी करने के लिए। अगर आप उस देश आते कि इस स्टेज पे आने से पहले, आप अभी से जब आप जिंदा हैं अपनी प्लानिंग करें, अपने सारा कुछ संभाल के रखें, अपने आप को इसको लिए तैयार रखें कि कल को मेरे को पता नहीं क्या हो जाए तो मेरे जो पेपर्स हैं वो कहाँ हैं, किसके पास हैं, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ऐसा है। तो जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट है, नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस है, लाइबिलिटी है, इन सब की इन्फॉर्मेशन आप रखें, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के बिना आपका टैक्स नहीं भरा जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जो आपको नहीं समझ आ रही, या आपका कोई बच्चा, या हस्बैंड, या वाइफ, कोई भी जो काम करता है, तो आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें या हमसे कंसल्ट करें तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे कहते हैं विल कंपेनियन डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट ऐसा है, इस पर आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, वेयर विद मी। ये हमारी कंपनी ने तैयार किया है, और भी ऐसे लोग आप अपना घर पर आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे पहले आप जो भी आपका एडवाइजर है उसका नंबर लिखें, फोन नंबर लिखें, नाम लिखें, ईमेल रखें, डेट अपडेट आपने किसके किया। फिर इसमें क्या है कि ये बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, शो करूं थोड़ा थोड़ा, जहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके एसेट्स, मकान, पैसा बैंक में क्या पर है, आपके पास कहाँ पर है, फिर आपके रियल एस्टेट क्या है, कोई डिजिटल एसेट्स क्या है, फिर आपकी जो लायबिलिटी है, आपकी इंश्योरेंस वगैरह, या आपकी मोरिज वगैरह, या आपके इनकम टैक्स वगैरह, स्टेट प्लान वगैरह, सारा कुछ है। और इसमें एमरजेंसी में आपको किसे कॉन्टेक्ट करना है, इसी तरह ये सारी इंफॉर्मेशन इस पर आप लिख सकते हैं, और ये आपको फ्री कॉपी मेरे से मिल जाएगी। इसके लिए आपको मेरे को ईमेल भेजना है या फोन करना है, तो मैं ये कॉपी, ये काफी पेजेस हैं सारी इंफॉर्मेशन रखने के लिए, मेरे ख्याल 15-20 पेजेस हैं इसके, तो ये इसलिए सभी को मैं नहीं भेज सकता। अगर आपको करना हो
तो आप ये मेरे को रिक्वेस्ट करें, इसको कह दें कि मेरे को वो फॉर्म चाहिए जिसके लिए मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रख सकता हूँ, जहाँ विल कंपेनियन कहते हैं इसको, वो वाला। इस तरह सारा आपका है, जहाँ मकान आपका है, किसके नाम है, कौन सा है, कॉरपोरेशन क्या है, ऐसी चीजें, जिस तरह जो रियल एस्टेट है किसी की, कोई रेंट का है, इस तरह आपकी सारी ही इंफॉर्मेशन है। अब इसका फायदा क्या होगा आपको? फायदा आपको ये होगा इसका कि कुछ आपको हो जाए, जब कभी आपको देखना पड़ जाए तो आपके पास एक सेट ऑफ पेजेस हैं, 10-15 पेजेस जिसमें है, उसमें लिखा है, और आप उसको हर साल अपडेट कर सकते हैं। आप उसकी कॉपी बना लें कंप्यूटर पर, तो उसमें क्या है कि जो चेंज हो आप उसको चेंज कर लें, वो अपडेट हो गया आपका। तो जब कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें से आपका हेल्प हो सकती है। जैसे मैंने कहा लास्ट टैक्स जब आपकी डेथ होने के बाद होती है, तो अगर ये पेपर ऐसा तैयार किया हुआ आपके पास होगा, जो भी आपका कोई आदमी टैक्स करता है उसको देंगे, तो उससे उसको बड़ी हेल्प होगी आपका टैक्स करने के लिए। तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं, आप ऐसा नहीं कि ये पेपर आप अपने अपने आप कॉपी पर भी किसी पर लिख के रख सकते हैं, आप अपने पर भी अपने आप भी, लेकिन ये एक ऐसी जगह रखो जहाँ अपने बच्चों से, जहाँ जो भी आपका ट्रस्टवर्दी आदमी है, पर्सन है जिसको आप समझते हैं, जहाँ आपका जो टैक्स वाला है उसको, जहाँ आपका कोई एडवाइजर है उसको, जहाँ अगर हमें कहेंगे तो हम भी आपकी कॉपी एक इसको सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, लेकिन उसको करने से पहले हमें आपके फैमिली मेंबर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई बात हो और आपका बेटा बेटी या कोई और आदमी फैमिली का हमारे पास आए, तो हम उसको कुछ नहीं बताएंगे जब तक हम उसे कभी मिले नहीं हैं। क्यों? हमें नहीं पता कि वो फ्रॉड है, वो सच है, वो नहीं है। तो अभी नेक्स्ट क्या आता है कि प्लान, अगर आप अब प्लान करना शुरू करेंगे, ये प्लान एक दिन में नहीं होएगी कि एक दिन में हो जाएगी, इसको आप ध्यान से करें, जितनी चाहे मर्जी आप पूछें, मेरे से पूछना चाहें पूछ सकते हैं, जहां आपके अपने एडवाइजर हैं उससे पूछिए, जहां जहां से टैक्स बुलवाते हैं उससे पूछिए, लेकिन मेरी जो सर्विस है, आपको कोई बताने की, कोई बात करने की कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ, अगर मैं आपका काम करूंगा फिर जो उसकी कॉस्ट होगी वो लगेगी, लेकिन ये जो है, ये डॉक्यूमेंट आप सभी ही, मेरी रिक्वेस्ट है सभी अपने फायदे के लिए उसको भर के रखें अपने पास, पता नहीं कब कहाँ पर जरूरत पड़ जाए, किसी और काम के लिए पड़ सकती है, आपको मकान लेना है, कुछ कोर्ट में बात है, कहीं और जरूरत है, पता नहीं जिंदगी में कहाँ जरूरत है, आपको बैंक पूछ लेती है कि मेरा आपका वो अकाउंट नंबर क्या था, अब आपके अकाउंट नंबर कहाँ पर है, कितनी जगह है पता नहीं, अगर इसमें लिखे होंगे आप एक पेपर निकालेंगे उसमें देखेंगे कहेंगे ये बात है। और दूसरी बात मैं जो सीनियर लोगों से कहता हूँ, मैं भी उसी में हूँ, आप अगर 5, 7, 10 बैंकों में अकाउंट है ना आपको, सबको समेट के एक बैंक में कर दो, क्योंकि हमारी याददाश्त कम होती जाती है और हमें उसका नहीं पता कि क्या पाना है, कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा है। तो अगर वो आप एक जगह होगा तो आप एक ही बैंक में जाएंगे, अगर आपके एडवाइजर है, कोई एक है एडवाइजर है, आप 10 एडवाइजर रखने की जरूरत नहीं है, जैसे एक डॉक्टर की जरूरत है, एक एडवाइजर की जरूरत है, एक लॉयर की जरूरत है, एक अकाउंटेंट की जरूरत है, इसी तरह सभी को एक एक रखो, और उसका एक दूसरे को पता होना चाहिए, आपके अकाउंटेंट को आपके टैक्स वाले का पता होना चाहिए, आपके डॉक्टरों को भी आपके टैक्स वाले का पता होना चाहिए, टैक्स वाले को पता होना चाहिए कि आपका डॉक्टर कौन है, कल आप आएंगे मेरे पास, मैं को चीज पूछनी है तो आई डोंट नो कहाँ पर है कौन है, अगर उस शीट में लिखा हुआ होगा जो मैंने शीट आपको बताई है, तो उस पर लिखा हुआ आपके डॉक्टर का नाम क्या है, आपका लॉयर का नाम क्या है, आपके अकाउंटेंट का नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, तो वो आपकी लाइफ को बड़ा आसान करता है इसके लिए। अब मैं जोर दे रहा हूँ प्लानिंग पर, आप देखिए घर में सुबह से उठते हैं,
शाम तक जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं प्लान किया है, मैंने इतने बजे चाय पीनी है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे दवाई लेनी है। अगर आपने लिखा हुआ कहीं पर तो आप ये ओहो मेरे को 10 बजे दवाई लेनी थी, अभी तो 11 बज गए, मैं क्या करूं भूल गए, तो आपको क्योंकि लिखा हुआ है आप उसको देख के 10 बजे का दवाई 1 घंटा लेट ली ले, लेकिन ली है, मिस नहीं की। कुछ दवाइयां आपको है वो मिस नहीं करनी। इसी तरह से ये जो आपका चार्ट जो मैं बता रहा हूं, अगर वो आपके पास चार्ट होगा तो आपको रिमाइंड कराता रहेगा। अभी मान लो आपने पैसे एक बैंक से निकाले दूसरी में डाल दिए, तो जो पुरानी बैंक है उसका अकाउंट नंबर क्रॉस करना है, नया अकाउंट नंबर ऐड करना है कि मैंने वहां से पैसे निकाले, नोट लिखो साथ में कि मैंने इस डेट को पैसे निकाले और इस डेट में जमा किए। और नई अकाउंट का जो कोई आपका है वहाँ एडवाइजर है, फोन नंबर है, मैनेजर है, कुछ भी है। और खास करके एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर आपका सेफ्टी लॉकर्स हैं कहीं पर भी, उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर रखें रिकॉर्ड के, क्योंकि एज के हिसाब से आपको उसका जो लॉक नंबर है या सिक्योरिटी कोड है वो भूल जाएगा। फिर आपको बैंक जो है आपको जैसे मिनते करो पर भी वो उसकी मर्जी पर आपको आपका लॉकर खोले या ना खोले। अगर आपके पास लिखा हुआ होगा, अगर मान लो आपकी डेथ हो गई है, आपके बच्चों का पता है कि मेरी मम्मी के उस बैंक में लॉकर में पैसे पड़े थे, इन्हीं जूते ज्वेलरी पड़ी थी, तो वो उस बैंक को अप्रोच करेंगे, वो बैंक देखेगी हाँ जी इसकी डेथ हो गई है, सर्टिफिकेट है, वो वैलिडेट करके आपको उस बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। अब मैं ये उस पर जोर दे रहा हूँ इस प्लानिंग के ऊपर कि आप अपने एडवाइजर से बात क्यों करें, अगर आपका एडवाइजर है, एडवाइजर जो आपका है, दो एडवाइजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको, एक हेल्थ एक फाइनेंशियल। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो भी आपकी हेल्थ खराब होगी, अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको पैसे की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप हेल्थ खराब है तो आप कमाई नहीं कर सकते जो कमाई करने के योग्य हैं, काम करने के लायक हैं। अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई या फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो गई तो आप अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते, पैसे चाहिए। इसलिए इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से और नंबर 1 समझ के इन दोनों का रिकॉर्ड रखें। आप उस फॉर्म के ऊपर जो मैंने बताया है आप अपनी मेडिकल भी लिख सकते हैं, डॉक्टर का नाम लिख सकते हैं, आपका कोई ऑपरेशन हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से हॉस्पिटल में हुआ, सारा कुछ उसके ऊपर लिख के रख सकते हैं। वो एक तरह के मैं ये कहूँ एक लफ्ज यूज की तरह कि इसे बाइबल, वो आपकी बाइबल है जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, वो आपको आपके तकलीफ वाले टाइम में काम आएगी। और दूसरी बात जो है, जो आपका एडवाइजर होगा खास अगर जो आपका टैक्स भरने वाला है, जहां से भी आप भरवाते हैं, अगर बच्चा भरता है उसको भी, जहां कोई और करता है कोई भी, उसको अपनी बात सच सच बताओ, दोनों लोगों को बिल्कुल सच बताओ, फाइनेंशियल एडवाइजर को और हेल्थ एडवाइजर को, अपने सब को सच बोलो, क्योंकि उसने दवाई देनी है जो आपने बताना है कि मेरे को पेन कहाँ पर है, पेन आपके सिर में, या बताया आप पेट में रहे हैं तो आपको पेट के दवाई की दवाई देगा, ना कि सिर की दवाई, तो आपका सिर कभी ठीक नहीं होगा। इसी तरह फाइनेंशियल के आपको प्रॉब्लम है किसी एक जगह बता रहे हैं दूसरी जगह, तो वो जो एडवाइस देगा वो जो हम प्रॉब्लम बता रहे हैं उसी का जो हाल देगा, तो इसलिए उनके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, और वो आपको ऑनेस्ट एडवाइस तभी दे सकता है जब उसको पता कि आप ऑनेस्ट हैं। और सबसे जो आखिरी बात मैं कहने वाला हूं कि इनसे रेगुलर कांटेक्ट रखें, रेगुलर मीन रोज नहीं, साल में 1-2 दफा 3 दफा, एक दफा तो जरूर रखें, खास करके जब अब टैक्स भरने का टाइम है तो उस टाइम जरूर रखें, मेरे को क्या करना है, कितना है, पूछ रहा है। अभी मेरे को जो मेरे क्लाइंट हैं, कोई क्लाइंट मेरा 30 साल से भी है, अब मैं उसको कोई नहीं पूछता, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास पड़ी है, मैं कहता हूँ ये ठीक है हाँ जी ठीक है, ये ठीक है हाँ जी ठीक है, ये नहीं जी ये चेंज हो गई, बस इतना कहना मैंने ठीक कर दिया और टैक्स भर दिया। तो इसलिए आप इसको गैर गर्जी ना करें,
और हमारी जो लेडीज यहाँ पर सुन रही हैं वो इसके बारे में ध्यान बिल्कुल नहीं देती। मैं कहता हूं बिल्कुल, मैं कहता हूं सभी जब बैठी है, मैं कहता हूं 5% भी आप में से नहीं करती होंगी। क्यों? मेरा मियाँ करता है, मेरा बेटा करता है, मेरी बेटी करती है, मेरा भाई करता है, कोई भी है, क्या करता है? कभी आपने पूछा क्या हुआ है? कभी आपने पूछा कितना रिफंड आया, कैसे आया? पूछा जी मेरे को क्यों नहीं मिला? पूछा आपके अकाउंट्स हैं जो हमारे साथ करते हैं, हम उसको कहते हैं भी हमारे साथ एक दो दफा साल में मीटिंग कर लो, हम उसको रिव्यू करेंगे, अगर नहीं कुछ ठीक आने वाले कहें ठीक है चल रहा है, गाड़ी चल रही है, अगर करने वाले तो भी इसको भी ऐसे कर लो, देख लो करके। बहुत से लोगों के पैसे जो हैं वो वैसे ही पड़े हैं कहीं जगह, पता नहीं उसका क्या हो रहा है। अभी उसको आप प्रॉपर यूज करके उसका कोई बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप अभी 60 साल की उम्र से कम है और आप काम कर रहे हैं तो ये जो RRSP है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिडक्शन आप टैक्स बचाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे कहाँ और कितना। तो दूसरा अकाउंट है TFSA, वो बहुत ही अच्छा है, सबसे बड़ा अच्छा जो अकाउंट है वो TFSA अकाउंट है, जिसे कहते हैं टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। उस पर कोई एज नहीं है, कोई इनकम नहीं है, सिर्फ एक है कि आप साल का कितना कर सकते हैं, वो है आजकल $6,500 एक पर्सन। लेकिन अगर आपने 2009 से लेके अब तक, और 2000 में 9 में आपकी एज 19 साल की थी, कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया, तो आपको 88,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अब अगर आप नहीं करते तो कसूर आपका है, आप पैसा भर रहे हैं, आप ही कुछ कर रहे हैं उसमें, मैं नहीं और कोई भी नहीं हेल्प कर सकता। उज्मा जी का सवाल है। हाँ जी उज्मा जी। मथन अंकल, बहुत से सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले कमेंट है कि आप जब भी आते हैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, और लगता है हम पहली दफा सुन रहे हैं। आप उस तरह प्रिपेयर करते हैं अपनी स्लाइड कि वो नई नई लगती है सारी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक मेरा यू। पहला क्वेश्चन ये, अभी जो आपने बात की RRSP की और TFSA की, तो आपका ये कहना है कि TFSA अच्छा है, हम जी RRSP की जगह TFSA में अपने पैसे डाल दें, वो जब भी हम निकालेंगे टैक्स नहीं होगा अगर वो विद इन ब्रैकेट है। जी और वो 6,500 आपने क्या कहा? वो हर साल गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि इस साल जिसने पीछे लिमिट पूरी की हुई है पिछले साल की, इस साल सिर्फ 6,500 डाल सकते हैं 2023 में। अगर आप चाहें कि मैंने 8,000 डालना है तो जो आपको वो ओवर हो जाएगा, जैसे कहते हैं लिमिट क्रॉस हो गई, फिर आपको पेनल्टी लगती है ऑन द टॉप जो एक्स्ट्रा है, 1% पर मंथ, 1% पर मंथ, एक साल की नहीं, 12% होगी साल की। अगर आपके $100 पड़ा रहेगा तो 12% आपको साल तक का 12% इंटरेस्ट लग जाएगा उसको ऊपर, पेनल्टी। तो और ये हमें उसको कैसे लिए पता ख्याल रखना चलेगा, चाहिए। हाँ जी कैसे पता चलेगा कि कितना हमारी लिमिट है? देखिए, उसका एक तो आपको जो CRA है वहां से पता चलता है, आपको CRA की एक्सेस लेनी चाहिए, साइन इन करना चाहिए CRA के वेबसाइट पर, उसको कहते हैं माई अकाउंट, तो फिर अपना सारा अकाउंट CRA पर दे सकते हैं। दूसरे है कि जो आपका टैक्स भरता है उसके पास अगर आपकी इजाजत है देखने की तो वो आपका देख सकता है। जैसे जितने मेरे क्लाइंट हैं मैं उससे पहले इजाजत लेता हूं कि आप मेरे को इजाजत दें कि मैं आपका अकाउंट CRA पर देख सकूं। तो चाहे मेरे को कोई बात हुई, मैं रात को 10 बजे बैठा हूं तो मैं 10 बजे CRA के वेबसाइट पर गए इन्फॉर्म देख लेता हूं, और वहां पर सारी रिपोर्ट है आपने कब जमा किया कब निकाला, उसमें ग्रोथ नहीं है लिखा हुआ। मैं बता दूं आपको कि अगर आपके 1 लाख का 2 लाख बन गया वो नहीं, आपने किस महीने किस बैंक में कितना पैसा जमा किया और किस महीने किस बैंक से कितना निकाला। फिर वही मैं बताऊं जो लिमिट है साल की, जैसे मैं कहूंगा अगर कोई 2009 में 19 साल का था और आज तक नहीं किया है, अगर आप 88,000 कर चुके हैं तो जो 88,000 के ऊपर होगा वो आपको पेनल्टी लगेगी। 2023 की बात कर रहा हूं मैं, तो 2024 में और चेंज हो जाएगा। हाँ जी अगर किसी का, लेट्स से कि किसी का 60,000 है, ठीक है।
तो वो 88 तक करवा सकता है। बिल्कुल ओके, यस और ये सबके लिए ये लिमिट है 88 इसका। सबके लिए। एक कंडीशन मैंने बताई, 2009 में 19 साल का और अब तक कोई और नहीं किया कुछ भी, यानी कि ये नहीं कि तीन चार टैक्स खोले हुए टीएफएसए के, एक बैंक में भी है, अगर टीडी में भी है और आरबीसी में भी है, बीमो में है, टोटल मिला के ना टोटल मिला के 60,000 है उसके पास, तो वो 88 तक एटी जा एट सकता। थाउजेंड जो लिमिट है वो 88,000 की है अब तक की। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे ये बताइए, जो आपने कही थी कि फाइनेंशियल एडवाइजर को एक दफा फैमिली मेंबर से मिलना होता है, तो बहुत से केसेस में फैमिली मेंबर्स हैं ही नहीं, करीब ही कोई नहीं है, फिर क्या करेंगे? देखिए फिर जो भी आप समझते हैं करीब वो है, नहीं तो फिर जैसे मालूम है कि आपकी जो एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं है अब उसकी डेथ हो गई तो उसका टैक्स किसने करना है, एक ही रिस्पॉन्स। अब सीआरए का तो लेटर आएगा उसको, और वो है नहीं, दो जगह है उसके लिए, जहां तो वो एडवाइजर को भी कांटेक्ट करेंगे, उनको पता है इसके टैक्स किसने भरा था पहले सीआरए को, अगर उससे कोई जवाब नहीं मिलता तो कुछ करने वाला नहीं है, तो क्या होगा कुछ साल के बाद वो डेड फाइल हो जाएगी, कुछ साल के बाद दे कीप इट ओपन फॉर मे बी 5-6 ईयर द फाइल, उसके बाद वो डेड हो जाएगी, क्यों कोई है नहीं उसको देखने वाला, जी हाँ, क्योंकि ये हुआ है। नहीं पिछले साल होता हमारे है बहुत होता है अच्छे बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हुई तो कोई भी नहीं था, उनका कोई ना अब कोई देखिए बच्चा उसका था। जो पैसा होगा बैंक में, जो कहीं और होगा, सब गवर्नमेंट ले जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ बहुत लंबे हैं, वो इतने लंबे हैं कि आपके घर में अंदर पहुंचे जाते हैं, आपके बेडरूम में पहुंच जाते हैं, मैं बता दूं सच है, आपकी किचन में आ जाते हैं, किचन टेबल पर कि आपने क्या खाया, जी इतने लंबे हैं हाथ। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपको छोड़ने वाली नहीं है, आपका बैंक में पड़ा पैसा उनको पता है कि कौन सी बैंक में कितना पैसा, हाँ पूछे नहीं पूछे वो दूसरी बात है, हर साल बैंक आपकी रिपोर्ट सीआरए को भेजती है, चाहे वो रजिस्टर्ड अकाउंट है चाहे नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट है, आप ये रिपोर्ट जा रही है आपके सिन नंबर के हिसाब से, तो उसको पता है ये सिन नंबर वाला आदमी मर गया और इसका कुछ नहीं हो रहा, तो बैंक को कहेगी जितना पैसा है कम ऑन सेंड इट टू सीआरए। तो इसलिए आपको इन चीजों का, अभी जो मैंने कहा कि आप जरूर मिलाएं अगर कोई है, तो जब कोई बात होगी जैसे मैं उज्मा जी आपकी एग्जाम्पल लूं, बुरा मत मानना, आपकी खाला जी हैं, जो भी उसका टैक्स भरता है अगर उसको पता है कि आप उसके पीछे हैं, चाहे आप उसकी ब्लड रिलेशन नहीं है, अगर पता है तो आप उसको उस एडवाइजर को बात करेंगे, तो फिर वो एडवाइजर आपको सलाह देगा उसके मुताबिक क्या करना है या क्या नहीं करना, हो सकता है आप लीगली ठीक हो करने के लिए, हो सकता है ना हो, अगर आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है तो देन यू आर लीगल पर्सन, उसको कहते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ अटर्नी, वो आपको लास्ट टैक्स भरना है जो उसके सारी कुछ वो आपको रिपोर्ट देंगे, अगर मेरे को नहीं जाते तो मेरे को भी नहीं बताएंगे सीआरए कुछ भी, तो ये जो पावर ऑफ अटर्नी है फाइनेंसिस की भी बहुत जरूरी है। तो अंकल, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, अब कोई आंटी का नहीं है, तो लास्ट टैक्स का क्या होगा? वो लेटर उसको आएगा, अगर आप लेटर देखेंगी, मान लो लेटर आपको देखती हैं करती हैं, तो जिसने टैक्स भरा आप उसको कहेंगे ये मेरे को लेटर आया है, फिर वो सी अगर उसको अगर उस आदमी के पास सीआरए की इजाजत है बात करने की, अगर आपकी आंटी ने उसको लिख के दिया है कि हाँ यू कैन टॉक टू सीआरए, फिर वो एडवाइजर सीआरए से बात करेगा, जो कुछ करना होगा फिर वो कर देगा, ठीक समझ आई बात, जी, मेरे और फिर भी वो कुछ। एडवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी पावर है कितनी नहीं, वो हमेशा सीआरए से बात करेगा क्योंकि फाइनल जो से है वो सीआरए की है।
जी, तो मेरे और क्वेश्चन है वो मैं बाद में आपसे किसी वक्त कर लूंगी, वो शायद थोड़े पर्सनल हो, तो नो, ये आई'm going to close this जी one and श्वेता then का we will. क्वेश्चन है यहाँ। हाँ, अभी मैं आप आ गया, क्या कहते हैं, गैलरी व्यू में. आप जिसका भी आप अपना मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा जी कर दें. श्वेता का है इधर क्वेश्चन, हाँ जी, श्वेता जी कहाँ पर हैं? उन्होंने अंकल चैट में लिखा है, हाँ, क्या लिखा? मैं, अच्छा, मैं देखा नहीं. उन्होंने कहा मदन जी इज विल कंपेनियन डॉक्यूमेंट सेम एज विल, डू यू नो प्रोवाइड सर्विस टू डू आर विल। नो आई दिस इज विल इज ए लीगल प्रोसीजर. ओके, बिल अब दो तरह की है. एक है आपको लॉयर के पास जाते हैं, एक आपको प्री प्रिंटेड मिलती है बाजार से, लेकिन उस पर भी आपको लॉयर के विटनेस के साइन करवाने पड़ते हैं. वो सस्ती है, वो प्री प्रिंटेड है. और तीसरी है, आप खुद अपने वर्डिंग आप लिख सकते हैं किसी पेपर पर भी, चाहे आप ये नैपकिन पर लिख लें, लेकिन इसकी विटनेस हो जाए, दो विटनेस हो जाए उस पर लिखे हुए, तो वो भी बिल कंसिडर किया जाएगा. लेकिन जो मैं कहता हूं किसी को कि आप जो करना है थोड़ा अच्छा करें, किसी सलाह लेके करें, ऐसे मत करें. पता नहीं आपके पास क्या कुछ है, क्या आप कंसिडर कर रहे हैं, क्या नहीं कंसिडर कर रहे हैं, किस अकाउंट को आप समझ रहे हैं ठीक है, या किसको नहीं समझ रहे ठीक है. अगर आप किसी अपने एडवाइजर से बात करेंगे, और एडवाइजर के बाद आपको करेंगे, उसे वो कहते हैं होलोग्राफिक बिल, जो मैंने भी कहा वो ऐसे पेपर पर लिख के की जा सकती है, उसका नाम है होलोग्राफिक, और वो आपको मिल जाती है, वो एक्सेप्टेबल है. मदन अंकल आज से चौहान फैमिली के और लोग भी आए हुए हैं, अच्छा, चलो, अच्छी बात है. अर्जुन ये भी है जो और पहले और अर्जुन तो मेरा ग्रैंडसन है, पोता. जी। ही इज वर्किंग विद मी एंड ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एडवाइजर, इज टेकिंग ओवर फ्रॉम मी. और सो भी हाँ, कोई और भी चौहान थे, आर चौहान के क्या थे? आर राणा चौहान होगा, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बॉस है. अंकल ये अर्जुन चौहान का ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज होलोग्राफिक विल, इज इट एक्सेप्टेड बाय वो द होलोग्राफ, गवर्नमेंट? मैं अभी बताया ना, जो ये होलोग्राफ बिल है, वो जैसे मैंने कहा कि आप इस पेपर पर लिख लें अपनी जी बिल, जैसे मैं कहूं कि आई आफ्टर माय डेथ माय हाउस गोज टू अर्जुन चौहान, लेकिन इसको विटनेस कर दूं दो आदमियों के, तो वो मानी जाएगी कोर्ट में कि वो बिल जो वैलिड बिल है. लेकिन फिर मैं कहता हूं, और वो कुछ आपके पास क्या है क्या नहीं है, वो हमेशा अपने एडवाइजर से बात करें, वो आपको फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछ सके, और आप अगर कॉम्प्लिकेशन है तो जरूर कहूंगा कि आप थोड़ा पैसा करके लीगल करें. जैसे किसी के तीन चार मकान हैं, बैंक में काफी पैसा पड़ा है, इंडिया में पैसा पड़ा है, और कहीं पर है, तो उसके लिए आप जरूर लीगल एडवाइस लें, क्योंकि इतने पैसे के लिए 2-4-500 हजार डॉलर के बचाने के लिए बचाएं, और हो सकता है आपका ज्यादा नुकसान हो जाए. जी, होलोग्राफिक विल जो है वो भी मिलती है बाजार से भी, जो प्री प्रिंटेड होती है, तो उसको आप फिल इन कर सकते हैं, वो तो डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल से भी. लेकिन जो उसके जो मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट जो है, आपको उसकी कॉपी भेज सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी इसके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए. हाँ जी, मुटर साहब, आपका भी क्वेश्चन है? कोई लगता था मेरे को आपका क्वेश्चन है, आप म्यूटेड हैं. या मदन जी, मेरा हाँ जी, नमस्कार. क्वेश्चन ये था कि अगर विल है तो प्रोबे फीस को अवॉइड करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? कौन सी फीस ट्रस्टी को? ट्रस्टी वगैरह, नहीं, कौन सी फीस को? प्रोबे फीस इन द कोर्ट। जो जो प्रोबेट फीस है, जो बिल है ना, जो कोर्ट में जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, मकान वगैरह हैं, उसके लिए या जो आप अगर बिल है, तो आपके वो इजी और कम हो जाता है. कुछ फीस हो सकती है, वरना बहुत सी फीस नहीं लगती.
अगर बिल नहीं है तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिल के बिना जो अभी आपके प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उसके हिसाब से मेरे ख्याल 1.5% ऑफ द अमाउंट वो चार्ज करते हैं कोर्ट। तो इसलिए अच्छा है कि आप बिल रखें अपने पास हो, और उससे बहुत फायदा होता है, सो उससे दिस प्रोबे फीस, प्रोबेट फीस कम हो जाती है, दिस प्रोबे जहां फीस बिल्कुल फी भी हो सकती है, बिल्कुल एलिमिनेट हो सकती है। डज इट डिफर फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस? यस इट डज डिफर फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। ओके, हाँ जी, सो इफ मैं वी जो बात हैव कर रहा हूँ वो चलो ट्रस्टी, ओंटारियो, मैं आप बात कर रहा हूँ ओंटारियो की अभी। ओके, या सो इफ वी हैव अ ट्रस्टी विल दैट बी बेनिफिशियल टू अस देन? ट्रस्टी इज ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि या वो आपका सारा काम कर रहा है, यू हैव हायर्ड हिम, यू हैव डन इट, ही गॉट ऑल द थिंग्स देयर, तो राइट, इस बेनिफिशियल ऑब्वियसली जो ट्रस्टी है उसकी फीस आपको पे करनी पड़ेगी जो कुछ भी है। और एक हाँ और होता है उसे कहते हैं एक्सिक्यूटर, हाँ जो एक्सिक्यूटर होता है वो आपका कोई अपना भी हो सकता है, जैसे आपके फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या आपका लॉयर भी हो सकता है, आपका कोई और भी हो सकता है, और प्रोफेशनल एक्सिक्यूटर मिलते हैं। एक आदमी नहीं हो सकता, वो जो ऐसे मैं एडवाइजर हूँ, मैं आपका एक्सिक्यूटर नहीं बन सकता। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, मैं नहीं एक्सिक्यूटर बन सकता आपका, लेकिन जो एक्सिक्यूटर हैं वो आपको फीस लेंगे आपका सारा अकाउंट करने की, आपके फाइनल टैक्स बनने की, और राइट, वो सारे अकाउंट आपसे आपकी फैमिली से बैठ के वो सारा इकट्ठा करेंगे। सो दैट प्रोसेस सम टाइम टू टेक 2 ईयर टू फाइल द लास्ट टैक्स ओह वाओ, डिपेंडिंग ऑन द ओके, कॉम्प्लिकेशन। या लेकिन जो सिंपल टैक्सेस हैं वो तो जैसे मैं कहूँ कि मेरा बेटा है वो फाइल कर दे तो दैट विल बी डन, राइट? ओके, सो सो ही बिटवीन कैन एक्ट आवर एज टू एक्सिक्यूटर। किड्स इट्स सिंपल देन. हाँ जी, सिंपल वाले जैसे आपका कोई फैमिली मेंबर भी एक्सिक्यूटिव बन सकता है। What about my older son? मैंने कहा फैमिली का कोई मेंबर भी, नॉट Okay, ओल्डर yeah. नॉट यंगर, कोई मेंबर भी, आप Oh, okay. जिसको चाहें, जहाँ जहाँ अब आपकी तो डेथ हो गई है, आपकी वाइफ है, जहाँ के और बच्चे हैं, उनमें से कहें कि एक आदमी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, तो Right. Yeah. जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे। मैंने मान लो एग्जाम्पल आपके 4-5 बच्चे हैं, अब चारों पांच बच्चे तो एक्सिक्यूटिव नहीं ना बनेंगे, एक ही नहीं, बनेगा, एक ही तो बनेगा. या जो एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसकी जॉब है कि उसने सारे सभी लोगों से कोऑर्डिनेट करना है, राइट? फिर अगर बिल है तो बिल के मुताबिक, अगर बिल में लिखा है कि इस बच्चे को इतना जाना है, इस बच्चे को इतना जाना है, इस बच्चे को नहीं जाना है, तो उसके मुताबिक वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या कोर्ट के थ्रू, या जैसे भी होगा वो करेगा, क्योंकि या दैट वी बिकम हैव लिटिल बिट लीगल मैटर। या वी हैव अ विल ऑलरेडी, सो वी हैव 50-50 बिटवीन आवर सन एंड डॉटर. दैट्स गुड, यू नो। या अभी राइट, देखिए एक और बात है विल के लिए, हालांकि या मैं लीगल आदमी नहीं हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आई एम नॉट ए लीगल पर्सन, लेकिन राइट, जेनेरिक जो है कि अगर आप विल को कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसको कहते हैं रिवाइज विल, फिर आपकी वो नई विल बन जाती है जो पहली विल को सुपरसीड करती है। मान लो आपने आज 50-50 कहा, ठीक है, लेकिन 2 महीने बाद कहते हैं नहीं, मेरे को उसको 60 देना है, उसको 40 देना है, तो यू हैव टू चेंज द बिल, राइट? वो जो नई बिल बनेगी, चाहे आपने हाथ से लिखा है, उस पर भी लिखना पड़ेगा इट सुपरसीड द प्रीवियस बिल, राइट? उसको लिखना चाहिए कि ये मेरी पहली बिल है, उसको चेंज करती है। तो जो आपका लॉयर है वो भी लिखेगा कि वो आपकी जो बिल है वो उसको ओवरराइड करती है, न्यू बिल बनती या दैट्स अ गुड है। आइडिया. दूसरा जो है मैंने कहा था बीच में थोड़ा सा पावर ऑफ अटॉर्नी, वो दो तरह के हैं, एक फाइनेंशियल है, एक हेल्थ के लिए है। जो हेल्थ के लिए है वो आपकी बीमारी में काम आता है, जब आप अपने बारे में डॉक्टर को बताने के लिए, अपना डिसीजन बताने के लिए काबिल नहीं है, यू इनकेपेबल ऑफ टेलिंग द डॉक्टर व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। मान लो आप ऐसी सिचुएशन आ गए हैं, डॉक्टर को डिसाइड करना है कि हम इसको मशीन लगाएं या ना लगाएं,
हाँ अब आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको नहीं बता सकते, तो अगर आपका बेटा बेटी वाइफ जो भी है उनमें हाँ से एक आदमी होगा, लेकिन वो डॉक्टर पूछेगा आर यू ऑथराइज्ड, क्योंकि राइट डॉक्टर नहीं जाता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने अपने पर। तो जो कहेगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो वो अगर आपने वो पॉवर्टी प्लान लिख के दियो हो पहले हेल्थ के लिए कि मेरा छोटा बच्चा ही करेगा, तो वो छोटे बच्चे की ही सुनेंगे, बड़े बच्चे की बात नहीं सुनेंगे। ओह या राइट इसलिए आपको उसके लिए करना है, ये लीगल पेपर है, ये आप नहीं कर सकते, वो आपको लॉयर के थ्रू ही करना पड़ेगा। इसी तरह जो फाइनेंस का है, नोट्स ऑफ सॉरी पावर ऑफ अटर्नी, वो आपको किसी को एक मकान के लिए दे सकते हैं, एक बैंक के दे सकते हैं, एक अकाउंट का दे सकते हैं, जहां सारा दे सकते हैं, जहां आपको कहते हैं यू कैन डू एनीथिंग विद माय अकाउंट और विद माय प्रॉपर्टीज। तो अगर उसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये मान लो आज नवंबर की पहली है, ये अप्रैल 30 से पहले कुछ नहीं कर सकता, तो ओके ओके वो 30 अप्रैल से पहले लागू नहीं होगी अगर उसमें लिखा हुआ है। तो यू कैन डू द डेट के व्हेन ही कैन स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट। राइट जैसे इसे क्या कहते हैं, वसीयतनामा, वो विल है, और एक हल्फिया बयान है शायद, वैसे मेरे को उर्दू हिंदी पंजाबी पता नहीं क्या कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो आपको अपनी पावर देते हैं कि मेरी जगह ये काम करेगा। अगर इंडिया में प्रॉपर्टी आपने किसी को दी है, तो वो ही कैन सेल इट, बाय इट, डू व्हाट एवर इट, आपको पैसे नहीं दे, वो आपकी जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट की नहीं है, राइट। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, इसके नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं, देयर पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स फॉर बोथ। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो भी करना हो ना, आपके पास एक एडवाइजर जरूर होना चाहिए राइट या जिससे आप बात कर सकें अपनी, या आपको कोई, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जे आप मेरे क्लाइंट नहीं है, मैं आपको जो भी एडवाइस दूंगा वो जेनेरिक होगी, वो स्पेसिफिक आपके बारे में नहीं, वो जेनेरिक है कि मेरे को आपका पूरा तो नहीं पता आपके पास क्या है क्या नहीं है। जहाँ जहाँ मेरे को आप बता दें मेरे पास चार मकान है, मेरे को क्या पता चार है कि नहीं है, राइट हो सकता है एक हो, हाँ आप चार कह रहे हो तो चार हो एक कह रहे हैं, लेकिन जब मेरे क्लाइंट होंगे तो मैं उसको लिखूंगा, उसको एंटर करूंगा कि ही टोल्ड मी कि इसके पास चार मकान है। मैं आपसे हाँ तो पूछूंगा उसकी मॉर्गेज कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, और कुछ क्या है। फिर अगर मैं राइट आपका टैक्स भी भरता हूंगा, तो फिर मेरे को सारा रिकॉर्ड होगा कि आपने हर साल उसकी कितनी इनकम की, कितने खर्चे किए। या इसलिए ये ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोगों को एंड में जो है, अगर वो प्लान नहीं है कुछ, कभी कहीं पर नुकसान भी हुआ है, तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि आप मरो और दे पैसे लो। अभी या मैं एक बात और बता दूं, इसके रिलेटेड नहीं है, ये कल ही मेरे को फोन आया था किसी का, वो कहता है जी मेरी सीपीपी है, मैं 61 ईयर का हो गया हूँ, 61, मेरे को उसमें से पैसे निकालने चाहिए कि नहीं। मैंने अच्छा कहा इसका आंसर जो जेस नो दोनों है, क्यों, मेरे को बाकी आपकी हिस्ट्री नहीं पता है, आपके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं है, राइट आपकी इनकम कितनी है कितनी नहीं है। मैं आपको जेनेरिक जवाब देता हूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है, ये गवर्नमेंट एक लालच देती है कि अगर आप 60 पर देंगे तो आपको जितनी कैलकुलेशन 100% देंगे, अगर आप 60 से 65 से कम करते हैं, बिटवीन 60 एंड 65, वो 6% कम देते हैं। अगर आप 65 से 70 तक जाते हैं तो आपको 6% फालतू देते हैं, ज्यादा देते हैं, जो आप क्वालिफाई करते हैं 65 पर। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, वो दे रही है कि हम आपको फालतू देंगे, ज्यादा देंगे इफ यू कीप इट अंटिल 70। उनको पता है स्टैटिस्टिकली मोर देन 20% पीपल विल डाई बिफोर 70, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास, या उन्हें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी विल को देना नहीं। या देयर विल गेन अच्छा, तो अगर आप 65 से कम निकालते हैं, बिटवीन 60 एंड 65, तो आप कहती है हम आपको 6% कम देंगे,
अब उनको पता है कि इसके मरने के चांस कम है, इसको पैसे निकालें, हम इसको फालतू क्यों दें, तो वो उसको कम देते हैं। तो जो मेरा आंसर था उसको, देखो मेरे तो फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं पता, लेकिन अगर तू करना चाहता है तो तू निकाल ले और अपना पैसा अपने पास लेके जहां मर्जी इन्वेस्ट कर, जहां मर्जी जमा कर ले। एक दफा टैक्स लगना है तेरे को, अब लग जाए या बाद में लग जाए, लगे लेकिन राइट. इतना है। दैट मेक सेंस. और एक और है रिफ का, जो RRSP का क्वेश्चन है, आपने पूछा नहीं किसी ने, मैं बता देता हूं। जब आपकी डेथ होती है किसी की भी, किसी एज पर भी, अगर RRSP है 71 के अंदर वो RRSP ही रहती है, 71 के बाद वो चेंज होके रिफ बन जाती है, RRIF, वो सिर्फ नाम चेंज होता है और कुछ नहीं। अगर आपकी डेथ हो जाए, अगर तो आपकी स्पाउस जिंदा है तो वो पैसा उस स्पाउस को जा सकता है, अगर आपका स्पाउस जिंदा नहीं है तो वो सारी आपकी इनकम बन जाएगी और उस पर टैक्स, जो मैंने आपको चार्ट बताया उसके मुताबिक लग जाएगा। अगर मान लो आपके पास 3-4 लाख की RRSP है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जे तो आपकी डेथ हो गई और आपकी उम्र अभी 60 साल की है, तो आपकी 4 लाख इनकम हो जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा। ओह या दैट्स राइट. अभी जो 2 लाख से ऊपर है तो उसका 1 लाख तो गवर्नमेंट ले जाएगी। तो ले जाएगी. या दैट्स ट्रू. गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप मरो, पैसे हम हमारे पास छोड़ के जाओ। अच्छा, राइट. जब वो 71 हो जाता है तो वो चेंज होता है ये रिफ, रिफ रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इनकम फंड। उसमें से गवर्नमेंट ने किया है कि आपको बेसिकली सब कुछ लेना है, अगर थोड़ा थोड़ा लेते हैं, फिर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पड़े हैं पैसे। अगर उस टाइम भी आपकी जो डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगी जब तक वो अपना टैक्स नहीं लेगी। अगर उसके दोनों के ऊपर रिफ पर भी, TFS पर भी और RRSP पर भी बेनिफिशियरी का नाम लिखा है तो वो बेनिफिशियरी को पैसे मिलेंगे, लेकिन टैक्स देने के बाद। जब तक गवर्नमेंट टैक्स अपना नहीं लेती, वो आपको ना पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे आपको 10 साल फाइट करना पड़ जाए, राइट? तो इसलिए ये जो चीजें मैंने बताई हैं सभी को, सीनियर को इसलिए है कि अभी वो कहते हैं अभी मेरा टाइम आएगा, पता नहीं कल को है, पता नहीं 10 साल को है, 30 साल की एज में हम नहीं कहते कि मेरा टाइम आ गया, ठीक है ना? हम 30 साल की एज में नहीं कहते मेरा टाइम आ गया, लेकिन 60 के ऊपर कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा टाइम आ गया। तो इसलिए जो है कि जो आपको प्लानिंग करनी है, जो आपको करना है, मैं आपको फिर विनती करूंगा कि आप में से किसी को भी कोई सवाल हो, आपको ये नहीं सोचना कि मैंने आपसे टैक्स के पैसे लेने हैं, टैक्स करना है, आप यही मर्जी करनी है, जहां मर्जी करना वो करो, सलाह लेनी हो तो आपको मिलेगी और फ्री मिलेगी, दैट्स राइट. दैट्स द वे इट इज. या थैंक यू फॉर राइट? योर. सलाह आपको फ्री मिलेगी और आपको बिना किसी अटैचमेंट के, वो कहते हैं स्ट्रिंग अटैच नथिंग, जहाँ मेरे फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए। जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल दी, जिसकी मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, मैं उसको कहता हूँ देखो मैं आपको ये जेनेरिक सलाह दे रहा हूँ, ये चेंज हो सकती है, जहाँ तो मेरे को सारी सलाह, मेरे को अपना सारा कुछ बता सारा, जैसे कहते हैं गाय से पेट नहीं छुपाना चाहिए, अगर आप भी मेरे से पेट नहीं छुपाते, अपना सबको बताते हैं, तो मेरा जवाब भी आपको सबको सही मिलेगा। दैट्स राइट. जहां आपने कुछ छुपाया वहां मेरा जवाब गलत हो गया। तो इसलिए ये है कि आप जो भी करना हो आप कीजिए। अगर ये फिर है कि अगर किसी को ये फॉर्म चाहिए तो मेरे को ईमेल कर सकते हैं, तो हम उसको इसकी कॉपी, PDF कॉपी भेज सकते हैं, आप उसको जैसे चाहें करना कर सकते हैं, क्योंकि इसके पेज हैं 22-23 पेज हैं मेरा ख्याल है, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू मेल इट एंड प्रिंट इट एंड मेल इट, राइट? राइट, सो इस PDF है, आप अपने कंप्यूटर पर रखें, आपको चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, करवा सकते हैं कहीं से भी, राइट? और इसको मेरी रिक्वेस्ट सभी से है कि कम से कम अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट तो रखें ना, ये तो रखें, आपका अकाउंटेंट कौन है, डॉक्टर कौन है, लॉयर कौन है, एड्रेस कौन सा है, कौन सी बैंक में अकाउंट है, कौन सी नहीं है अकाउंट, कि कभी जरूरत पड़े तो आपको
एक जगह से मिल सके। राइट दैट्स माय आइडिया इज, क्योंकि मेरे को भी होता है, आई फॉरगेट थिंग्स एज वेल। या दैट्स व्हाई वी अभी श्वेता जी ने किया कि आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे को ईमेल भेजें सेपरेटली जिसको चाहिए, फिर मैं उसका ईमेल जवाब दूंगा। ऐसे मेरे को, मेरे को भी अभी वो कहते हैं ना बीमारियां भूलने की, मैं भूल जाता हूँ जहाँ क्या लिखा है। और फिर मैंने आपसे फॉर्म मांगा था, आपने भेजा नहीं। अरे मांगा था 2 वीक पहले। हाँ या जी जबदा जी, हाँ जी, मैं आपने लिखा था कि वो उसमें लिखा हुआ था कि 6 ईयर तक आप पेपर्स जो है ना टैक्स के रख सकते हैं। जी ठीक है, मैं आई थी 2015 में, तो वो तब तो मुझे इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन 16 में टैक्स जो था वो फाइल हुआ था। 16 से लेकर मैं अब तक टैक्स फाइल कर रही हूँ, अब 8 साल हो गया है। तो मैंने कहा वो मैं संभाल के रख छोड़ूंगी अभी भी नहीं वो। देखो, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो 6 साल की है। अच्छा 6 साल में अगर आपका वो कोई टैक्स चेक करते हैं और आपसे मांगते हैं कि, मान लो मैं एग्जांपल के दे रहा हूँ, आप कहें 2,000 के टैक्स में आपने 2 बच्चों का क्लेम किया था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी, हाँ जी आप हमें इनकी इन्फॉर्मेशन भेजो, वो कहेंगे आपका बर्थ सर्टिफिकेट भेजो या कुछ और भेजो, अगर पास के पास पड़ा है तो आप भेज सकते हैं, नहीं यार फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, राइट। उनको सर्च पे करने, जहाँ कहें कि आपने लिखा था कि 2,000 में आई वर्क फॉर कंपनी एबीसी, मेरे को 40,000 तनख्वाह मिली थी, वो कहते हैं गिव अस ए T4, हालांकि उनके पास होगी लेकिन फिर कहते हैं हमें T4 दो, क्योंकि उनको कुछ शक है, क्योंकि उनको डाउट है, तो वो डाउट को दूर करने के लिए आपसे वो कागज मांगेंगे। सही। मेरे साथ हुए हैं ऐसे, सीआर के साथ बात मेरी तो रोज होती रहती है, किसी न किसी मौजू पर, किसी न किसी टॉपिक पर। मैं उससे कहता हूँ आपके पास तो फॉर्म है, कहते डोंट वरी योर डैड, आई एम आस्किंग यू टू गिव मी, राइट। चाहे वो ही है लेकिन फिर वो मेरे से मांग रहे हैं। सही। और दूसरी एक और सवाल था, ये कि पूछना था कि ओल्ड एज जो होता है ये कब कौन सी एज में मिलता है, और क्या ये ओल्ड एज जो मिलता है वो जिन्होंने जॉब की होती है उनको मिलता है, या जिन्होंने जॉब नहीं की देखिए होती उनको मिलता मैंने कहा था कि दो तरह के हैं, एक है ओल्ड एज सिक्योरिटी है। OAS, वो मिलती है आपने काम किया हो या ना किया हो, आप 65 एंड ओवर हो 65 से, और आप कनाडा में लीगल हो और कम से कम जहां पर 10 साल रहे, हाँ जी ये ओल्ड एज सिक्योरिटी है। जो CPP है, कनाडा पेंशन प्लान, वो आपके काम के ऊपर है, आपने हाँ कितनी जी देर काम किया, कितना काम किया, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपको पेंशन मिलती है। सही वो आप 60 साल की एज से लेना शुरू कर सकते हैं सही। वो लीगल। पेंशन प्लान जो है वो तो 60 से ले सकते हैं ना, हाँ तो लेकिन हाँ दूसरा जिन्होंने काम नहीं सिक्सटी किया, हाँ जिन्होंने काम नहीं किया वो 65 के बाद ही उनको फाइव ओल्ड के एज बाद मिलता में मिलेगा। हाँ जी, है। सही। अच्छा सभी ये के लिए, सभी के लिए फॉर्म भर के भेजने पड़ते हैं, अपने आप नहीं अच्छा देती गवर्नमेंट। सही। और वो हाँ दूसरा ये कि वो क्या कहने लगी थी, मेरी भी आदत मुझे भी भूलने की बीमारी है। कोई वो बात मैं नहीं, पूछ रहा था कि ये जो ODSP है, ये ODSP जो है ये सेपरेट इशू है और ओल्ड एज सेपरेट इशू है। बिल्कुल जी। ODSP जो है वो है डिसेबिलिटी के साथ है। अच्छा, अगर डिसेबिलिटी जो है वो होती है किसी बंदे को, तो वो ओल्ड ओल्ड यानी ओल्ड एज भी, यानी कि वो 65 का हो गया है, हाँ तो जी, वो फिर मिलेगा आपको, दोनों चीजें उसको मिले मिलेंगी। मिले बिल्कुल दोनों मिलेंगे। अच्छा, तो ये ODSP की जो है वो कितने की, यानी कि मंथली कितनी वर्थ होती है? That varies with the other incomes, and आप ओके क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, या कहें लोड़े, that's not a fixed amount. और Actually, none ओल्ड of एज, them is a fixed amount. लेकिन ओल्ड एज का क्या हिसाब होता है? नहीं, मैंने बताया ना, हाँ मैंने अभी मेरे को टोटल नंबर याद नहीं, मेरे ख्याल कोई 9,000 8,000 समथिंग है, जो आदमी जहां पर 40 साल से रहा है लीगली कनाडा में। अभी देखिए कुछ लोग कहते हैं मैं 40 साल से हूँ लेकिन बीच में मैं 2 साल इंडिया पाकिस्तान चला गया हूँ, वो नहीं काटे, वो निकाल देंगे 2 साल उसमें से।
यू हैव टू प्रूव दैट यू आर 40 years इन कैनेडा, फिर वो को जो फुल अमाउंट होगा उनका, जैसे मैंने कहा कि हर साल जो अमाउंट चेंज होता रहता है ओल्ड सिक्योरिटी का, जो हाँ भी जी फुल हाँ अमाउंट है वो आपको साल का जो 12 महीने का डिवाइड होकर आपको आता रहेगा। सही अगर आप 20 साल हैं तो वो आधा हो जाएगा, अगर 10 साल तो वो क्वार्टर हो जाएगा, सही वो इस तरह प्रोरेट करते हैं। जो आपको जो सही फॉर्म आता है भरने के लिए, वो भी 5-6 पेज का फॉर्म है, उसमें सारी आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आप कब, जब से आए हैं कनाडा में, अब तक कहाँ कहाँ गए हैं, कब इंडिया कनाडा से बाहर गए हैं, कब कनाडा के अंदर आए हैं। क्योंकि मुझे पता लगा था कि 6 महीने के अंदर अंदर आप अगर किसी दूसरी कंट्री में गए हो तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप वापस आ जाते हो तो वो काउंट नहीं होता। हाँ ये ठीक है, लेकिन उनको बताना तो है ना, अब उनको थोड़ा पता है 6 महीने नहीं, के वो बाद तो आए बताना कि नहीं होता है। आए। हाँ जी, क्योंकि जब सिटीजन के लिए भी था ना तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि यानी दे हमने काउंट द नंबर ऑफ डेज यू आर इन कैनेडा। हाँ जी 1095 डेज हमारी क्लास में हमें बताया गया था कि बिल्कुल इतने डेज बिल्कुल सही है। रहेंगे तो ये तो। जो चीजें हैं ना, जैसे है ना मैंने कहा कि वो इसलिए वो फुल रिपोर्ट मांगते हैं कि आपको ये डिटेल दो कि व्हेन यू एंटर कनाडा, व्हेन यू लीव कनाडा। सही है। पहले तो ये होता था कि पहले फॉर्म आया करते थे, बताते थे वो आपके पूरे साल के, वो पिंक से पेपर आते होते थे कि आपको हर महीने इतने पैसे आएंगे, ये कौन फेडरल है, ये दूसरा है, वो सारे। अब सीआरए में वो सीआरए का अकाउंट है उसके बीच में वो सारा कुछ भेज देते हैं। देख अभी सारी चीज डिजिटल हो रही है, हाँ जी और गवर्नमेंट भी और हम लोग भी दूसरे भी पेपर को कम कर रहे हैं, मेलिंग को, हाँ राइट। जी तो अब आपके पास एक ही जगह है, एक अकाउंट, जब आपको अकाउंट साइन करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन सीआर के पास है। मैं आपसे सही एक थोड़ी सी स्टोरी शेयर करनी चाहूंगा, वो थोड़ी पुरानी है, मेरे ख्याल 10-15 साल की है। एक आदमी मेरे पास आया है, वो कहता है कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट में गया हूँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान में वो छुट्टी पर चला गया बाहर 5-6 वीक, 4-5 वीक के लिए, तो वहां से फॉर्म भर के भेजता रहा कि आई एम अवेलेबल फॉर जॉब। तो जब वो वापस आ गया, पता नहीं 6 महीने या 8 महीने के बाद उसको लेटर आया, वी थिंक वी ओवर पेड यू, तो प्लीज प्रोवाइड योर स्टे इन कनाडा। उसने कह दिया झूठ बोल के, मैं तो कनाडा में था जहां पर थे। अब उनको कैसे पता चला कि वो आदमी कनाडा में नहीं था, मेरे को बाद में पता चला। आप बताइए, आपको उनको कैसे पता चला कि आदमी बाहर कनाडा से बाहर नहीं था? एयरपोर्ट रिकॉर्ड से, कब आप गए हैं, कब आप आए हैं। तो उन्होंने उसको बता दिया कि यू बीन आउट ऑफ कंट्री फॉर दिस लॉन्ग, तो प्लीज, मेरे को उसने पूछा, मैं कहा चुप करके पैसे वापस कर दो गवर्नमेंट को, वरना वो कोर्ट में ले जाएंगे आपको। सही। मैं 2018 में ना जब मुझे पीआर मिला था ना तो मैं अपने बच्चों को मिलने दुबई गई थी। तो वो ये था कि मैं एक तो डरी हुई थी, मुझे पता नहीं था, तो मैंने केस वर्कर को नहीं बताया तो मैं चली गई। जब मैं वापस आई हूँ तो उसके बाद उसने मुझे पूछा उसने, मेरे ख्याल में दिसंबर में पूछा शायद, तो कहते अक्टूबर में गई थी मैं, तो उसने मुझे पूछा कि आप दुबई गई थी, तो मैंने कहा हाँ जी मैं दुबई गई थी, तो कहती आपने बताया क्यों नहीं, मैंने कहा मैं डर गई थी, मुझे नहीं मालूम था, मैं डर गई थी कि मैं आपको बताऊंगी तो आप पेमेंट रोक लेंगी, तो मैं इस वजह से नहीं। फर्स्ट कहती है ओके इट्स ओके, फर्स्ट टाइम हुआ, नेक्स्ट बता के जाना। और नेक्स्ट अब देखो, ये हाँ जी अब ये हुआ कि मैं अब गई हूँ, जनवरी में मैं पाकिस्तान गई हूँ, तो मैंने उनको आके मैंने फॉरन लेटर लिखा, बताया मैंने कि मेरे इस तरह मेरे वहां पे डेथ हो गई थी, मुझे इस वजह से जाना पड़ा। उसने कहा इट्स ओके नो प्रॉब्लम, आप डेथ 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 की वजह से वहां पे रुक गई, ठीक है। सेकंड टाइम फिर मैंने दुबई जाना था, मेरी बेटी की डिलीवरी थी वहां, मैंने मेरे दामाद ने टिकट जो भी भेजी सारा कुछ पहले मैंने उसको सारा सेंड किया, उसको सारा बताया, उसने कहा नो प्रॉब्लम आप जाओ। मैंने कहा बेटी मेरी यहीं पे है, मैं अकेली जा रही हूँ। फिर अमेरिका जब गई हूँ मई जुलाई में, तो तब भी मेरी जो कजन मुझे लेने आई थी गाड़ी पे, उसने ईमेल करके सब कुछ बताया कि मैं लेने भी आ रही हूँ और मैं उसे छोड़ के भी जाऊंगी।
वो सारा कुछ बताया, तो थैंक गॉड कि मेरा रैकेट बड़ा अच्छा रह गया। नहीं देखिए, ये जो प्राउड नहीं मेरे लिए करती। ये सभी के लिए है कि नहीं हम समझते हैं कि उनको पता नहीं है। पता लग जाता है। अभी अब जो ये डिजिटल साइन हो रहे हैं पेपर सारे, अब उनको नहीं पता कि आप साइन कहाँ से कर रहे हैं बैठे, राइट? आप, मैं इंडिया में हूँ, मैं अपनी पेंशन लेने बैठा रह हूँ, लेकिन उनको जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे, मैं कनाडा में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है ईमेल के थ्रू भी कि आप कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं। मुझे कौन कुछ चीजें हैं वो हमको नहीं पता, मुझे वो हमें नहीं बताते, लेकिन उनको पता होती है। एक इन्फॉर्मेशन और मिली है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये सही है कि नहीं सही। क्योंकि कहते हैं ये जो हमारा पासपोर्ट है ना, कनेडियन पासपोर्ट, उसके बाहर एक कहते हैं एक चिप सी है, वो बिल्कुल आप जहां पे जाएंगे आपका पता लग जाएगा कि आप किस कंट्री में गए हैं। बिल्कुल, देखिए उसे कहते हैं ट्रैकिंग चिप, हाँ जी राइट? जैसे आप अपने फोन पर है ट्रैकिंग, तो उससे भी पता चलता है कि आपका फोन कहाँ पर है या आप कहाँ पर हैं। इसी बिल्कुल। तरह जब भी निकलेंगे आप कंट्री में से कहीं से, वो स्कैन होगा, जब वो स्कैन होगा तो वो इन्फॉर्मेशन इस गवर्नमेंट को बिल्कुल पहुंच जाती है। सही। ये नहीं को कोई बताएगा करेगा, राइट? सही। इसी तरह कुछ लोग हैं, मेरे को वैसे मेरी अपनी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सुनी सुनाई बात है, मैं ये कह दूं कि कोई बाहर गया, उसकी डेथ होगी वहां पर, लेकिन वो क्लेम करी जा रहे हैं पैसे। अब ये सच है झूठ है मेरे को नहीं पता, मैं पहले कह दूं भाई, क्योंकि मेरे साथ नहीं ऐसा हो जाए, मेरे किसी क्लाइंट के साथ नहीं ऐसा हुआ, लेकिन किसी ने बताया मेरे को, एंड इट्स पॉसिबल कि ऐसा करते हैं, सही। राइट? अच्छा मदन जी, एक और बात पूछनी थी, क्योंकि अब मेरी बेटी जो है ना, वो ये इस साल 18 की हो गई है। अब नेक्स्ट ईयर जो आएगा तो उसको अपना फाइल, टैक्स फाइल खुद से करना होगा। हाँ जी, ये चाहिए करना हाँ वो तो करना तो, पड़ेगा। हाँ तो वो मेरे ही साथ जाएगी ना, क्योंकि अभी तो वो जॉब भी नहीं कर रही ना। देखिए एक तो है जो आपको बेनिफिट मिलता था वो उसका कम हो जाएगा, हाँ जो वो तो खत्म हो गया, चाइल्ड चाइल्ड टैक्स तो खत्म हो गया। टैक्स भी, और जो हाँ जी अपना टैक्स भरेगी तो उसको एक दो हैं टैक्सेस, जैसे जीएसटी के लिए एलिजिबल हो जाएगी फॉर्म 19, अगर उसने टैक्स 18 में भरा हो तो 19 में उसको बेनिफिट मिलेगा, और ये क्लाइमेट इंसेंटिव है वो उसको मिलेगा। अच्छा इस तरह अगर वो कहीं किराया देती है या किराए पर रहती है या पढ़ती है या कुछ करती है, तो उसका उसको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। नहीं, ना मेरे साथ ही रहती है। नहीं वो ठीक है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ ना, साथ ओके में ओके। अगर कोई ऐसा हो तो उसको बेनिफिट हो, तो जैसे स्टूडेंट है वो बाहर पढ़ते हैं घर से, तो जब वो टैक्स फाइल करते हैं तो अब उनकी इनकम तो है नहीं, लेकिन सही। उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा मिल जाता है, 500 700 साल का, जो जो भी होगा, ओके द नंबर कैन चेंज, राइट? ओके 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 ठीक। तो इस तरह है, वो टैक्स भरना चाहिए जो। तो क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ वो मेरे ख्याल में इसके पास तो ऐसा कोई भी नियम वो नहीं है कि पेपर्स वगैरह क्या कौन से देने हैं उसने। क्योंकि मैंने पहले तो प्रेस्टो पास के पैसे होते थे, लेकिन बच्ची के जो बच्ची के मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स के जो है वो उसके तो प्रेस्टो पास की पर्चियां देनी पड़ती हैं। मेरे को उसका नहीं पता। चलिए अच्छा ठीक हो गया, थैंक और कोई क्वेश्चन? यू। चलिए ओके रुजमा जी, थैंक यू वेरी मच आपका और MWC का। थैंक थैंक यू यू आप सो मच। सबका, और होप टू सी यू ऑन फ्राइडे नवंबर 10th एज वेल। हमारी एजीएम है 6 to 7 o'clock। ओके 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 उसमें अगर किसी को ईमेल चाहिए तो आप मेरे को फॉर्म पर लिखी हो, तो नहीं तो उज्मा जी से मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सोबिया, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक मदर यू, अंकल। थैंक नाइस। यू, थैंक यू।